हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज हम मिर्चों की अचार की रेसिपी लेकर आए हैं, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये मेरे पास 4 केजी मिर्चे हैं सब्ज़, और इनका सबसे पहले तो ये है कि मिर्चें हमारे पास पक्की होनी चाहिए, यानी कच्ची मिर्च जो है ना उसका अचार नहीं ठहरता। इसलिए मैंने ये काट के रखी है काफ़ी देर से, कम से कम 2 घंटे हो गए हैं इनको कटे हुए, और अभी तक इसका बीज बिल्कुल सफ़ेद है। इसका मतलब है कि ये मिर्च पक्की है। अगर बीज काला हो जाए तो वो मिर्च कच्ची है, वो अचार नहीं ठहरता। इसलिए पक्का, इनका पक्का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नमक है मेरे पास 4 केजी नमक में, मिर्चों में मैं 1 पाव नमक डालूंगी पूरा। और ये हल्दी है मेरे पास 4 बड़े स्पून, मैं ये हल्दी के लूंगी। तो इसको हम मिक्स करते हैं। डंडियां मैंने इनकी सारों की उतार ली हैं, इस तरह से ये देखें सबकी डंडियां उतरी हुई हैं। ये हम डालेंगे और ये 1 पाव नमक जो है ना हम सब में पूरा करेंगे। इसमें नमक का ज्यादा हो जाना बेहतर है, कम हो जाए तो वो ठीक नहीं है। ये इसको हम मिक्स करेंगे इस तरह से, साथ साथ हम हल्दी डालेंगे। ये इसको डालेंगे और इसको करेंगे हम यूं अच्छा अच्छा सा मिक्स करेंगे इस तरह से। और जिस बॉटल में, जिस बर्तन में, मर्तबान में, जिसमें भी डालना है इसको हम डालते जाएंगे। मैंने ये बोतल को पहले धो के, ये पिछले साल का अचार था हमारा इसमें, तो वो अब हमने ख़त्म हो गया था, निकाल लिया। इसको धो के सुखा के अच्छी तरह से कपड़े से अंदर से साफ करके, तो फिर इसमें हम अब अचार डालेंगे ये वाली मिर्चें। तो इसी तरह हम सारी मिर्चें जो है ना वो हम डालते जाएंगे। तो डाल लें तो फिर हम आपसे मिलते हैं। एक तरीका ये था कि इसको थोड़ी थोड़ा लेके तो हम मिक्स करके इसमें डालते जाएंगे। एक तरीका ये है कि हम उस नमक के बीच में हल्दी को मिक्स करेंगे, 3 और ये 4, ये मिक्स करेंगे हम इसको यूँ अच्छे से। और जिस तरह बिरयानी की लेयर्स लगाते हैं उस तरह हम लेयर्स लगाते जाएंगे। मिर्चें डालेंगे इसमें यूँ, और यहाँ से दूसरे हाथ से हम थोड़ा सा नमक लेंगे और यूँ इसके ऊपर छिड़क देंगे। फिर मिर्चें डालेंगे इस तरह से, यहाँ से अपने नमक और हल्दी लेंगे और इनके ऊपर छिड़कते जाएंगे। ये हम बाकी का नमक सारा अब इसके ऊपर डाल देंगे। 1 पाव नमक है 4 केजी में, और 4 से 5 चम्मच हल्दी के हैं। ये हमने सारा इसके ऊपर डाल दिया इसको। ये देखिएगा, ये कल तक यहाँ तक आ जानी है मिर्चें। लेकिन इसको हम अब हम 4 दिन के लिए इसको छोड़ देंगे। इसको करेंगे अच्छी तरह से बंद और 4 दिन के लिए इसको हम छोड़ देंगे। 4 दिन के बाद आपसे मिलते हैं। और साथ इसमें मसाले डालेंगे और फिर उसके बाद तेल डालेंगे, और फिर ये 2 साल के लिए इसको भूल जाएं कि 4 महीने को कुछ होगा। मिलते हैं 4 दिन के बाद। हेलो व्यूवर्स, 4 दिन हम लोगों को हो गए हैं अचार को, मिर्चों वाले अचार को नमक और हल्दी लगाए हुए। ये देखें इसका पानी, गौर करिएगा, ये देखें ये यहाँ तक पानी से ये भर गई है। मिर्चों ने जितना अपना मॉइस्चर था वो छोड़ दिया हुआ है। आज अभी हम इसको खोलते हैं और इसका पानी हम निकाल लेंगे। और मसाले हमारे ये हैं, ये हमारे पास राई है, बारीक नहीं पीसी, थोड़ी थोड़ी सी मोटी रखी है। सौंफ है, ये भी दरदरी सी है इस तरह से, इसको भी मोटा नहीं पीसा। और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च है सुरख, क्योंकि ऑलरेडी उसके बीच में हल्दी है, और मिर्च सिर्फ कलर के लिए क्योंकि वो खुद मिर्चें हैं। ये हमारे पास मेथी है, मेथी बहुत थोड़ी सी ली है हमने, 1 टेबल स्पून ली है, ज़्यादा होगी तो फिर कड़वाहट आएगी। कलौंजी है हमारे पास 1 टेबल स्पून, और ये सूखा धनिया है हमारे पास, ये 2 टेबल स्पून हमारे पास ये है। नमक है हमारे पास 1.5 टेबल स्पून हमारे पास नमक, क्योंकि ये सारा नमक इसमें से निकल जाएगा। और ये मसाले जितने भी हैं, अभी हम इसका पानी ड्रेन कर ले
तो उसके बाद फिर हम ये मसाले डालते हैं। तो ये बस ये देखें, इसको लगाएंगे इधर बड़ी एहतियात के साथ ही, या कोई और कपड़ा बांध लें, या ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखिए पानी इसका, अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ेंगे। ये देखिए व्यूअर्स पानी, ये देखें पानी इसका, ये जितना नमक था और हल्दी जो थी वो निकल गई है। और अब हम इसको करते हैं साइड पे, और ये बर्तन लेते हैं खुला सा, इसके बीच में इसको डालते हैं। ये देखिए मिर्चों ने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया। तेल है सरसों का हमारे पास, हम डालेंगे इसमें मसाला। इसको मिक्स कर लेते हैं सारे को इस तरह से, यूं अच्छी तरह से गिरेगा तो उस बर्तन के अंदर ही गिरेगा। आधी मिर्चें हमने निकाल ली हैं और आधी इसमें डाल ली हैं। अगर बर्तन भरा होता तो हम सारी भी निकाल लेते और बाहरी लगा लेते। अब इसको हम अच्छी तरह से बनाएंगे। इनको मसाला लग चुका है, ये देखें जो थोड़ी बहुत नमी रह गई है वो मसाला चूस लेगा। अब ये चार इसमें हम वापस डालेंगे। मैं इसको मिक्स करके डालती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स चार हमारा तैयार हो गया। इसके बीच में हमने 2 लीटर ऑयल था मेरे पास, मैंने उसको गर्म नहीं किया, ऐसे ठंडा ही डाला है उसको। और तेल का बहुत ज़रूरी है कि वो तेल अच्छा वाला हो, मिलावट वाला तेल ना हो। तो अब इसको हम धूप में रखते रहेंगे, तो जितना ये मिर्ची हमारी तेल से बाहर रह गई हैं ये और नीचे चली जाएंगी, तो तेल जो है इसके ऊपर आ जाएगा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अचार लेते वक्त या निकालते वक्त जो अचार है तेल में डूबा रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक मुल्क के लिए दुआ करते हैं, आप सब लोगों के लिए दुआ करते हैं। आप भी हमें दुआ में याद रखिएगा कि खुदावंद इस घड़ी में सबका मददगार हो और कोरोना जैसी वबा हमारे मुल्क से जाती रहे। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।